हेलो नमस्कार दोस्तों, 3 जुलाई 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं आज की हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले जो एडिटोरियल आज है मेन पेज पे, वो यहाँ पे ये आर्टिकल आया है, ये है वन ईयर आफ्टर, मतलब जीएसटी का एक साल आपको पता है कंप्लीट हो गया है। लास्ट ईयर 3 जुलाई को जीएसटी है वो इंप्लीमेंट हुआ था, तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस है वो किया गया है। सो बेसिकली तो 1 जुलाई को था, बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो सारी बातें बताई गई हैं कि देखो एक साल हो गया है, अभी हमें क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए, क्या क्या कमियाँ वगैरह हैं। तो इसके बारे में एक ईयर होने के बाद हमने कल भी कुछ आर्टिकल में पॉइंट्स देखे थे, इसके अलावा 2-4 पॉइंट्स और यहाँ पे नए हैं, तो उनको हम यहाँ पे बाहर निकाल के अच्छे से डिस्कस है वो करने वाले हैं। यहाँ पे जो आर्टिकल है ये है टर्की के बारे में, इस आर्टिकल में बेसिकली बताया गया, तो उसको हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। आपको नोट्स बनाने की इसमें कुछ ज़्यादा जरूरत है वो नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं टर्की की लोकेशन। देखो ये यहाँ पे टर्की की लोकेशन है, मिडिल ईस्ट के अंदर इसकी लोकेशन बेसिकली आती है। एक साइड इसके ब्लैक सी है और एक साइड इसके यहाँ पे मेडिटेरियन सी है। तो ये आपकी लोकेशन इसकी देख ली। इसका टर्की का मैक्सिमम हिस्सा एशिया में आता है, बट इसका एक छोटा सा हिस्सा आप यहाँ पे देख सकते हो। एक सेकेंड, यहाँ पे इस्तांबुल वाला जो छोटी सी हिस्सा है ये आता है यूरोप के अंदर, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। टर्की का इस्तांबुल वाला हिस्सा यूरोप में आता है, बाकी मैक्सिमम जो इसका हिस्सा है वो आता है एशिया वाले एरिया में। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो यहाँ पे प्रधानमंत्री साहब थे पहले, जिनका नाम था अर्दगन 2003 के टाइम पे, तो स्टार्टिंग तो थे वहाँ पे प्रधानमंत्री, मतलब इसके बाद में हुआ क्या, धीरे धीरे इन्होंने प्रेसिडेंट का रूप ले लिया, और प्रेसिडेंट का रूप लेने के बाद इन्होंने सारी पावर है वो प्रेसिडेंट के पास सेंट्रलाइज वो कर ली। मतलब सीधा सा बात की यहाँ पे की गई राइटर के द्वारा कि इन्होंने सारी पावर है वो अपने पास ले ली, और उसके बाद एक तरीके से एक डिक्टेटर का रोल है वो यहाँ पे निभाने लग गए, मतलब डिक्टेटर बन गए और उन्होंने यहाँ पे तहस नहस करना शुरू है वो कर दिया। तो इसी के बारे में बताया गया कि अर्दगन साहब हैं वो पहले प्रधानमंत्री थे, फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब बन गए और उन्होंने सारी सेंट्रलाइज पावर कर ली, और इसके साथ ही रेफरेंडम भी उन्होंने करवा लिया। रेफरेंडम के तहत उन्होंने ये काम कर लिया कि हाँ भाई ठीक है, वापस भी प्रेसिडेंट का पद है वो मेरे ही मिलने का, तो ये सारे काम इन्होंने किए। तो एक तरीके से डिक्टेटरशिप वो लगातार प्रमोट कर रहे हैं। अब यहाँ पे राइटर एक पॉइंट और बता रहे हैं कि देखो पहले थे ये एक्चुअली अर्दगन, इनका प्लान ये था कि कैसे न कैसे यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना जाए। तो आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन में यूरोप की कंट्री जाते हैं मेनली, तो ये यूरोपियन यूनियन का यहाँ पे मेंबर है वो होती हैं। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इन्होंने काफ़ी कोशिश की कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना जाए, बट यूरोपियन यूनियन का ये मेंबर नहीं बने, और जबकि हालांकि ये नाटो के मेंबर हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नाटो के मेंबर की बात होती है तो उसमें टर्की शामिल है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बन जाता है। तो अभी रिसेंटली इसी चीज़ को लेके इनकी डायरेक्शन के बारे में राइटर थोड़ा बता रहे हैं कि देखो पहले इनकी जो थ्योरी थी वो थी यह थी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की था थोड़ा सपोर्ट है वो किया जाए और इनको मतलब इनके पाले में जाया जाए, बट धीरे धीरे अब इन्होंने क्या कर लिया है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने का जो राग था वो तो इन्होंने हटा दिया, और अब ये धीरे धीरे चाइना और आप देखोगे तो इधर मतलब रशिया की तरफ लगातार है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो सीधी सी बात यह है कि अब इनकी डायरेक्शन है वो ईस्टवर्ड हो गई है, क्योंकि पहले इनकी डायरेक्शन ये थी कि यार वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ बढ़ा जाए, बट अब इन्होंने क्या कर लिया, ईस्टर्न वार्ड जो कंट्रीज़ हैं इनकी तरफ इन्होंने अपना बेहतरी से बोल सकते हो अट्रैक्शन बढ़ा लिया है, ताकि इनके साथ रिलेशन और ज़्यादा इंप्रूव किया जा सकें, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ इनकी अब वो बनती नहीं है। तो इनके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताई गई हैं। इसके साथ ही यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताई गई है, वो बताई गई है यहाँ पे कुर्दिस्तान का इश्यू। देखिए आप थोड़ा मैप में यहाँ पे देखिए, ये वाला एरिया आप देख रहे हो, ये वाला एरिया, ये थोड़ा सा तो एरिया था ईरान में, बाकी मैक्सिमम हिस्सा इसका इसका टर्की में, सीरिया में और इराक में। तो इन ये जो वाला एरिया, इन चारों कंट्रीज़ वाला, इस वाले एरिया में कुर्द लोग रहते हैं, कुर्द कम्युनिटी के, और ये लोग एक नई कंट्री की मांग कर रहे हैं, और इसी को लेकर यहाँ पे बार बार रेफरेंडम वगैरह भी होता रहता है, उस चीज़ का इशू बड़ा रहता है। तो इराक वगैरह है वो तो चाहता है कि चलो यार बन जाए, टंटा वंटा खत्म हो, बट टर्की है वो कभी भी नहीं चाहता कि यहाँ पे कुर्दिस्तान के लोगों को सपोर्ट वगैरह किया जाए, और इसकी वजह से भी यहाँ पे काफ़ी एक चीज़ बोल सकते हो कि हालत है वो ठीक ठाक नहीं रहते हैं। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ी यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एक सीनेरियो क्या क्या चलता है। तो कुर्दिस्तान की बात करें तो टर्की, सीरिया, इराक और ईरान का थोड़ा हिस्सा है वो मिला के कुर्दिस्तान की बात की जा रही थी। तो ये इस आर्टिकल के कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। चलते हैं आगे। अगला जो यहाँ पे आर्टिकल है, इस आर्टिकल में बताया गया है मेक्सिको के बारे में कि मेक्सिको में अभी नए प्रेसिडेंट साहब बने हैं, तो अभी नया मौका है मेक्सिको के पास कि भाई जैसे भी हो नॉर्थ अमेरिका, आप बोलते हो कि यूएसए के साथ रिलेशन इंप्रूव किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका के रिलेशन या आप बोलते हो यूएसए के जो रिलेशन है मेनली वो ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छे नहीं है एक्चुअली मेक्सिको के साथ, क्योंकि जब आपको पता है कि ट्रंप इलेक्ट हुए थे तब उन्होंने कहा था कि मैं मेक्सिको के एरिया पर एक तरह से बाउंड्री बना दूंगा ताकि यहाँ के लोग इधर उधर ना जा सकें, ये वगैरह इशू वगैरह आरोप है वो लगते रहते थे। तो अभी रिसेंटली राइटर का कहना है कि देखो वहाँ पे नए जो प्रेसिडेंट साहब बने हैं इनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि यूएसए के साथ रिलेशन इंप्रूव किया जा सकें, और यहाँ फिर बात की जा रही है नाफ्टा की, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। नाफ्टा में 3 कंट्रीज आती हैं, कनाडा, यूएसए और मेक्सिको। तो इन तीनों कंट्रीज को आपस में रिलेशन इंप्रूव करने के लिए यहाँ पर राइटर वो फोकस कर रहे हैं। तो देखो बेसिकली वहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस किया गया तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पर थोड़ा हमें आइडिया होना चाहिए कि भाई ऑल ओवर वर्ल्ड में चल क्या रहा है, कहाँ क्या पे सीन हुआ है, कौन कौन सी लड़ाई वगैरह, तो वो हमने देख लिया मोटा मोटा यहाँ पे करेक्ट।
यहाँ पे जो आर्टिकल है ये जुडिशरी के बारे में है। इस आर्टिकल में बताया गया कि जुडिशरी किस तरीके से कमियाँ हैं, क्या क्या उसमें अभी केस पेंडिंग वगैरह के बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पे जो बड़ा वाला आर्टिकल है साइड वाल पेज में, ये आया है हायर एजुकेशन में रिफॉर्म की बात। जैसा कि हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि अभी गवर्नमेंट एक नई बॉडी बनाने की कोशिश की है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया UGC की जगह हटा के, तो उसी के पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किया गया है। कोई खास नए पॉइंट आए नहीं है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये आर्टिकल पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड आर्टिकल है, कांग्रेस वगैरह के बारे में क्रिटिसाइज वगैरह किया गया है बीजेपी को, तो वो चीज़ हम यहाँ पे नहीं देख रहे। यहाँ पे नीचे जो आर्टिकल है ये छोटे वाला आर्टिकल, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि भाई एयर पोल्यूशन है वो लगातार बढ़ रहा है, और अब एयर पोल्यूशन अगर लगातार बढ़ता रहा तो उसकी वजह से काफ़ी कुछ डिजीज हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और एक स्टडी से ये सामने आया कि एयर पोल्यूशन या जो खराब हवा है इसकी वजह से डायबिटीज़ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आपको पता है कि डायबिटीज से धीरे धीरे मोटापा जैसी बीमारियां होने लग जाती हैं, जो कहीं ना कहीं बीमारियों का एक घर है, एक अड्डा है, वो बन जाती हैं। तो उस चीज़ को लेकर राइटर यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो जो एयर क्वालिटी है उससे ऐसा नहीं है कि सांस जैसी बीमारियाँ होती हैं, आजकल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं। इसके साथ ही बात की जा रही है PM 2.5 की, PM2 पर्टिकुलर मैटर 2.5 है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि हमारी एयर में 40 माइक्रोग्राम तो अलाउ है कि हाँ चलो मैक्सिमम वहाँ तक तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, पर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे 400 से भी ज़्यादा माइक्रोग्राम कि हवा है वो यहाँ पे पोल्यूटेड हो चुकी है। तो मतलब जो आप बोलोगे कि पोल्यूशन का लेवल काफ़ी हद तक बहुत बहुत ख़राब हो गया है कि ऐसे माहौल में रहना दूर क्या नामुमकिन सा हो गया है, पर फिर भी लोग ऐसे माहौल में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हेल्थ को काफ़ी बड़ा नुकसान है, रिस्क है वो ले रहे हैं। तो इस आर्टिकल में बेसिक पॉइंट बताए गए। यहाँ पे आर्टिकल है क्वांटम फिजिक्स के बारे में बताया गया है कि क्वांटम फिजिक्स है जैसे कि फोटोन वगैरह हुए, इनके ऊपर स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी जो रिसेंट पूरे ऑल ओवर की बात की जा रही है कि इस पर ज़्यादा फोकस है वो नहीं किया जा रहा है। इसके बारे में एक दो पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे देख लेंगे। अब हम बात करते हैं GST वाला, थोड़ा तो पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो GST से आपको पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है सॉरी, लास्ट ईयर मिड नाइट सेशन आयोजित किया गया था, उसके दौरान GST को इम्प्लीमेंट हो किया गया था। कुछ चीज़ें GST के दायरे में नहीं आते हैं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हुए, इलेक्ट्रिसिटी हुई, रियल इस्टेट हुआ, गोल्ड वगैरह, ऐसी चीज़ों को रियल इस्टेट में शामिल है, सॉरी GST में शामिल है वो नहीं किया गया। देखो GST का थायरो या तो आप बोल सकते हो कि जो आइडियोलॉजी थी, थ्योरी थी, वो थ्योरी थी कि वन टैक्स वन नेशन की थ्योरी, बट हुआ क्या हमारे देश में फिर भी वन टैक्स की बात है वो नहीं है। अभी भी डिफरेंट डिफरेंट 5 टैक्स लेवल हैं, 0 की है, 5 की है, 12 की है, 18 की है और 28 की, तो इस तरीके से यहाँ पे बातें बताई जा रही हैं। देखो राइटर बता रहे हैं कि 1 साल हो गया है, हाँ वो बात बिल्कुल सही है कि इनडायरेक्ट टैक्स में काफ़ी बड़ा रिफॉर्म था आज तक आज़ादी के बाद, तो काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटी भी थी, हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, बार बार GST काउंसिल की मीटिंग भी हुई, काफ़ी सारी समस्याओं का समाधान करते हुए सोल्यूशन भी निकाले गए थे। बट अब 1 साल हो गया, तो 1 साल भी कोई छोटा मोटा टाइम नहीं होता है किसी देश के लिए, और अब हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि जो भी गलतियां पीछे हुई हैं उनको छोड़ के और उनसे सबक लेते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, और पीछे जो भी कमियां हमारे रही हैं GST काउंसिल के दौरान मीटिंग में, आप बोल सकते हो इंप्लीमेंटेशन में, उनको दूर करने के लिए भी हमें स्टेप है वो उठाने चाहिए। देखो 1 साल तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम हुई लोगों को, सबको कोई ठीक है मैनेज कर लिया, बट ऐसा नहीं हो कि हर साल प्रॉब्लम दिन पर दिन बढ़ती जाए, अब प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होनी चाहिए। जैसे कि देखो आपको थोड़ा बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, आपको पता है कि रिसार्ट जो ही GST इंप्लीमेंट हुआ तो डिफरेंट टैक्स स्लैब थी, हर टैक्स स्लैब में काफ़ी सारे प्रोडक्ट आते थे। फिर क्या होता था, जब भी GST काउंसिल की मीटिंग होती थी तो प्रोडक्ट को एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट में डाला जा रहा था, तो इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में क्या है, कंपनियों के बीच में भी दिक्कत आ रही थी और लोगों को भी इशू हो रहा था कि यार कभी तो है खाने की जो रेस्टोरेंट वगैरह इन पर 18% टैक्स लग रहा है, कभी इन पर 12% लग रहा है, कभी 12 लग रहा है, तो इससे काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। इससे एक नुकसान ये होता है कि देखो ये मान लो कि कोई भी कंपनी है, जैसे कि अभी हम लोग रिसेंटली हम लोग के टैक्स स्लेब में ब्रेड है उसकी है 28% की स्लेब में, वो तो कोई कंपनी क्या सोचेगी यार मैं ब्रेड का बिजनेस को लोगे काफ़ी कुछ महंगा है इंडिया में, तो ज़्यादा कुछ बिक्री होगी नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। बट वहीं अगले महीने वापस काउंसिल की मीटिंग हो रही है, इसको 5% में रख दिया, तो वापस बिजनेस वाले लोग क्या करेंगे, इसमें इन्वेस्ट कर देंगे, फिर वापस गवर्नमेंट अगर इनको 28% या 15 में बार बार चेंज करेगी ना, तो इससे क्या होता है जो जो इज ऑफ डूइंग बिजनेस का कॉन्सेप्ट है ना वो कहने के काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। तो बार बार टैक्स रेट चेंज नहीं होनी चाहिए, एक बार कर दिया तो कुछ काफ़ी लंबे टाइम तक वो फिक्स रहनी चाहिए। अगर बार बार गवर्नमेंट चेंज करेगी तो इससे जो इन्वेस्टर्स है ना उनको लॉस होगा और वो यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो ऑल ओवर हमारी इकोनॉमी को नुकसान है वो हो सकता है, तो एक तो इस चीज पे हमें फोकस करना है। इसके बाद में राइटर बता रहे हैं कि देखो GST का जब भी इंप्लीमेंट किया गया था उस टाइम पे इनफॉर्मल जो सेक्टर था हमारे देश का, मतलब जैसे कि इनफॉर्मल सेक्टर वो होता है कि जो फिक्स नहीं परमानेंट नहीं होते तरीके से, जैसे कि हमारे देश में मैक्सिमम जो रोजगार है वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोगों को मिलता है, जैसे कि कोई भी लोग हैं वो अपनी गाड़ी वगैरह चला के अपना काम करते हैं, या फिर कोई और है कि उन्होंने अपना खुद का छोटा मोटा काम वाम कर रखा है, तो ऐसे जो सेक्टर आ जाते हैं ऐसे इनफॉर्मल, मतलब वो इतने फॉर्मल वे में नहीं है, जब कोई PSU वगैरह हो गई वो तो हो गई फॉर्मल में, तो इनफॉर्मल की बात यहाँ पे की जा रही है। इसके साथ ही बात की जा रही है कि तंबाकू हुआ, इनके ऊपर सेस वगैरह गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया था, तो काफ़ी सारी दिक्कत है वो लोगों को आई थी, क्योंकि लोगों को तो पता नहीं होता था कि यार ये प्रोडक्ट लिस्ट कौन सी में, ये भी बहुत बड़ा इशू था।
इसके बाद में बातें की जा रही हैं कि GST नेटवर्क बनाया गया था उसमें भी काफ़ी दिक्कत आई, स्टार्टिंग में सर्वर वगैरह नहीं चल रहा था तो GST को जो ही डाटा इंटर करने में दिक्कत आ रही थी, काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई थी। तो अभी से के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, उसकी भी हमें एक अर्जेंट नीड है, वो यहाँ पर हो जाती है। इसके बाद में बात की जा रही है राइटर के द्वारा कि देखो जो कमिंग ईयर जो आ रहा है अभी हमारा 2018-19 की बात की जा रही है कि इस ईयर में हमें जो लास्ट ईयर गलतियाँ हुई ना उन गलतियों से सबक लेना चाहिए और वो गलतियाँ हमें दोबारा नहीं करनी है। सिंगल टैक्स तो देखो हमारे देश में काफ़ी मुश्किल हो गया है, ऐसा अभी एक तरीके से आप बोलोगे तो हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा भी कहा गया था। क्यों? क्योंकि आप खुद एक चीज़ देख सकते हो कि सिंगल टैक्स का मतलब क्या हुआ कि VIP आदमी भी उतना ही टैक्स दे रहा है और गरीब आदमी भी उतना टैक्स दे रहा है, तो वो तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। जैसे आप ये ले लो कि कोई आदमी लग्जरी गाड़ी खरीद रहा है तो वो भी ये मान लो कि जैसे 5% टैक्स दे, और वहीं अगर कोई दूसरा आदमी है वो ब्रेड खरीद रहा है, गेहूँ खरीद रहा है, कुछ भी खरीद रहा है, वो भी 5% टैक्स दे, तो ये तो इक्वलिटी कहाँ हुई भाई? अमीर आदमी है तो देखो जो लग्जरी जो चीज़ें हैं उन पर जो ज़्यादा टैक्स होना चाहिए ना एटलीस्ट, ताकि उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी हो और एक तरीके से जो आप बोल सकते हो कि इक्वलिटी है उसको भी प्रमोट किया जा सके। इसलिए सिंगल टैक्स स्लैब तो नहीं है, बट जब भी जो 5 टैक्स लेते हैं उनको घटा के 2 तो ही जा सकता है ना, तो उस तरफ हमें फोकस करना चाहिए। इसी के साथ हमारी इकोनॉमिक जो डिमांड है ना उनको हमें ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, और टैक्स स्लैब को बार बार चेंज करने से कोई बेनिफिट है वो नहीं होने वाला। तो ये राइटर के द्वारा कुछ सजेशन यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल हम यहाँ पे देख रहे हैं जुडिशियरी की बात की जा रही है कि देखो हमारे देश में जुडिशियरी है उसमें काफ़ी सारे केस पेंडिंग है। तो अभी रिसेंटली दीपक मिश्रा ने हाईकोर्ट्स को कहा था कि भाई जो भी 10 से 10 साल से पुराने केसेज है ना उनके लिए अलग से मैकेनिज्म वगैरह बना के उनका निपटारा वगैरह वो किया जा सके। तो इस चीज़ को लेकर राइटर ये कह रहे हैं कि देखो कोई बात नहीं, ठीक है हाँ केस पेंडिंग है उनका सोल्यूशन हमें करना है, सोल्व उनको करने हैं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही। बट राइटर का एक कहना यहाँ पे एक साइड ये है कि देखो अगर ऐसे इस तरीके से अगर प्रेशर में ला के काम करवाएगा कि हाँ भाई ठीक है आप केस इतने केस आपको हाईकोर्ट को सोल्व करने हैं दिन में वगैरह में, तो उसमें क्या होगा? उसमें कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि जो मेन चीज़ रहेगी जुडिशरी की न्याय करना जस्टिस करना वो चीज़ नहीं रह पाएगी। क्यों? क्योंकि प्रेशर में काम करना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरे को एक दिन में जैसे जज हो गया उसके साथ आ जाएगी हाँ भाई मेरे को एक दिन में 10 केस सोल्व करने हैं, तो वो 10 केस सोल्व करने के चक्कर में वो जल्दी जल्दी खत्म करेगा कि हाँ ठीक है आधी अधूरी बात सुनेगा, काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा प्रॉपर ढंग से। तो अगर जल्दबाजी की गई तो जस्टिस हो मिलेगा ही नहीं इसी ढंग से, तो इसलिए जल्दबाजी हमें नहीं करनी चाहिए। फिर राइटर को सजेशन दे रहे हैं कि देखो एक तो ठीक है केस पेंडिंग है उसके लिए सोल्यूशन तो हमें करना है, तो सबसे अहम बात तो है कि हमें एक रिफॉर्म की जरूरत है, हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने की जरूरत है, इसके साथ जो रिफॉर्म्स हैं उनकी जरूरत है। क्योंकि देखो तो हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो आज़ादी से पहले के टाइम जो अंग्रेज लोग चला रहे थे वही आज चीज़ आज फुल हो रही है, बट आज हमारी डिमांड चेंज हो गई है, आज हमारी सिचुएशन चेंज हो गई है, तो हमें उन सब चीज़ों को बदलना चाहिए, कुछ ना कुछ नई मैकेनिज्म लेके आनी चाहिए। जैसे आप एग्जाम्पल ये ले लो कि आपको जैसे बताइए कोर्ट में कोई भी केस वगैरह की सुनवाई होती है जज वगैरह के द्वारा, जस्टिस वगैरह द्वारा, उस टाइम पे जो केस का एक तरीके से आप बोल सकते हो कि पूरी रिकॉर्डिंग होती है, मतलब पूरा डाटा टाइप किया जाता है तो कंप्यूटर वगैरह पे या टाइपर वगैरह पे, तो अगर उसी को अगर वॉइस रिकॉग्नाइजेशन की हेल्प से पूरे डाटा को अगर रिकॉर्ड किया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना, क्योंकि जैसे बार बार टाइपर टाइप करेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो हमें नई टेक्नोलॉजी का नए जो भी रिसोर्स हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए और हमें क्वालिटी को भी बना के रखना है। ऐसा नहीं है कि हाँ देखो जुडिशियरी में केस पेंडिंग है उसके लिए हम जिम्मेदारी कि नई पोस्टिंग नहीं हो रही है जुडिशरी में, तो उनको भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए, नई पोस्टिंग लेके आनी चाहिए, नए लोगों को यहाँ पे रोजगार के साथ साथ क्या होगा पुराने केस वो पेंडिंग होंगे, इसके साथ लोक अदालतों को प्रमोट करना चाहिए, तो उन चीज़ों पे भी हमें फोकस है यहाँ पे करना चाहिए। इसके साथ ही हमें केसों की एक अलग अलग सीरीज बनानी चाहिए कि हाँ यार ये केस हैं क्रिमिनल केसेस हैं इनको ऐसे से इनकी टाइम लिमिट वगैरह रखी जा सके ताकि केस पेंडिंग हो। और अहम बात यह है कि देखो अगर हमें पुराने केस सोल्व करने हैं ना तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नए केस आ रहे हैं ना वो तो हमें सोल्व करने ही करने हैं, इनके साथ हमें पुराने भी सोल्व करने हैं, मतलब हमें हमारा टाइम बढ़ाना होगा, जुडिशियरी में रिफॉर्म करने होंगे तब भी सारी समस्याओं का समाधान है वो हो पाएगा। क्योंकि देखो पुराने केस तब तो तभी सोल्व हो पाएंगे ना जब नए को भी आप सोल्व कर रहे हो पुराने को भी। जैसे कि कई बार हम कहीं चले जाते हैं तो हमें पुराने दिनों का कुछ एक्स्ट्रा काम करना होता है तो हमें नया काम तो करना ही होता है, उसके साथ हमें ओवर टाइम भी करना पड़ता है ताकि हम पीछे का काम भी कंप्लीट करें। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि भाई जो पुराने केस तभी सोल्व हो पाएंगे जब नए को भी आप साथ साथ सोल्व करो, अगर आप पुराने सोल्व करने लगे रहे नए पेंडिंग रह गए तो फिर वो और कचरा बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ पर हमें यहाँ पे गवर्नेंस को भी इन चीज़ों को इम्प्रूव है वो करना होगा। फिर बात की गई थी हायर एजुकेशन कमीशन के द्वारा कि हाँ बेटी के UGC में रिफॉर्म, UGC को हटा के नई बॉडी बनाई जाएगी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इस आर्टिकल में कुछ खास पॉइंट है नहीं नए जिन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टर्की के बारे में जो आर्टिकल था इसके सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे देख लिखे हैं। मेक्सिको के इलेक्शन की मैंने आपको बता दिया कि अभी USA के रिलेशन है वो भी इंप्रूव हो सकते हैं, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बेनिफिट होगा, वो टर्की जो सॉरी मेक्सिको में जो भी वायलेंस वगैरह करप्शन वगैरह बढ़ रहे थे उनसे भी निजात है वो मिलेगी। इसके बाद में बात की जाती है क्वांटम फिजिक्स के देखो स्टडी को बूस्ट करने के लिए,
देखो आइंस्टीन को ये ध्यान रखना यहाँ पे प्री के लिए इफेक्ट बन जाता है कि आइंस्टीन को 1921 में नोबेल प्राइज मिला था क्वांटम फिजिक्स के लिए। इसके साथ ही एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था मैक्स प्लैंक, इनको भी क्वांटम फिजिक्स के लिए अवार्ड है वो दिए गए थे, तो इनका भी काफ़ी अहम रोल था। तो इस आर्टिकल में बेसिकली यही बताया गया कि देखो क्वांटम फिजिक्स का इसका स्कोप बहुत बड़ा है, बट अभी इसमें जितनी रिसर्च होनी चाहिए ना उतनी रिसर्च हो नहीं रही है। तो हमें जैसे लेजर वगैरह हो ये सारी क्वांटम फिजिक्स के ही हैं, इवन जो लाइट वगैरह है एलईडी वगैरह ये सारी क्वांटम फिजिक्स का ही एक आप बोल सकते हो कि एग्जाम्पल है, उसी की एप्लीकेशन है। तो क्वांटम फिजिक्स एक बहुत बड़ा आप बोल सकते हो ब्रांच हो गई है, इसकी तरफ हमें और ज़्यादा स्टडी पर फोकस है वो करना चाहिए, इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो ये बात यहाँ पे की गई है। फिर लास्ट जो आर्टिकल था वो था एयर पोल्यूशन के बारे में, तो उसके बारे में हमने बेसिक जो सारे पॉइंट्स थे वो देख लिए थे। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। जो पीडीएफ है वो नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।